शहर में खुश्क सर्दी की लहर से मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया है। शहर में नज़ला, जुकाम, खांसी, नमूनिया, जल्दी अमराज फैलने लगे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, दिल और जिगर के मरीज सबसे ज्यादा परेशान होने लगे। इन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, ये जानेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अमजद से, जो कि हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी के साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, शहर में खुश्क सर्दी की लहर जारी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हैं वो छोटे बच्चे और मोमर जो है अफराद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, गला, खांसी और बुखार की जो बीमारियाँ हैं वो शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ जो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको जो है वो शदीद सर्दी में जो है वो शदीद मुश्किल का सामना, क्योंकि सख्त सर्दी में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक है वो सर्दी में उसमें होते हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ईएनटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमजद साहब। तो अमजद साहब, मुझे बताइएगा, मौसम खुश सर्दी चल रही है, अभी तक बारिश नहीं हो सकी, कितने परसेंट लोगों की जो है वो इस बीमारी में इजाफा हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? एक तो क्लियरली इस मौसम के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम और नमूनिया, इसकी जो शरह इसके अंदर इजाफा हो जाता है। और हमने अपने जो डेली एक्सपीरियंस है उसमें नोट किया है कि आजकल तकरीबन मरीज़ों की तादाद पहले की नस्बत डबल हो गई है जो इन मसाइल से का शिकार हो रहे हैं। ये दोनों जो मरीज़ हैं, दिल और जिगर के, ये किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं? हार्ट वालों को तो ज़्यादा ठंड के टाइम पर अपने आप को ज़्यादा बाहर नहीं एक्सपोज करना चाहिए, किसी वजह से अगर जाना भी पड़ जाए तो उन्हें प्रॉपर ड्रेसअप होकर निकलना चाहिए। दूसरा, हैवी मील्स के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, कि सुबह के टाइम या रात के टाइम लेट नाइट कोई हैवी खाना वाना खाया और उसके बाद बाहर निकल पड़े या वॉक करनी शुरू कर दी, उस सूरत में एंजाइना का अटैक, जिसे आप हार्ट अटैक की एक थोड़ी अर्ली फॉर्म कहते हैं, उसकी इंसिडेंट सबसे ज़्यादा उनके अंदर नोट की जाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जब भी सर्दी आती है जो दिल और जिगर के मरीजों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं और जो मोमर अफराद हैं उनकी बीमारियों में भी इजाफा हो जाता है। इनका इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो कमज़ोर होता है जिससे बीमारियाँ बढ़ती हैं या लगती हैं, उनको कंट्रोल करके सर्दी की शिद्दत पर जो है वो काबू पाया जा सकता है।